दमन के खेल क्षेत्र के प्रेमियों के लिए नानी दमन पालिका क्षेत्र के बीचों बीच दमन के खेल प्रेमियों के लिए एक नया नजराना आकार ले रहा है और जल्द ही समय में ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया जाएगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से सज ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडोर गेम्स की सुविधाएं भी दी जाएंगी, जिसमें छोटे प्रकार की रेस्टोरेंट और अन्य आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। नानी दमन में वैसे भी खेल कूद के लिए सुविधाओं का पहले से भी अभाव था। ऐसे समय में दमन के युवाओं को खेल क्षेत्र में एक स्थायी विकल्प मिल सके, इस आशय के साथ नगर पालिका द्वारा पालिका क्षेत्र के बीचों बीच एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने का काम शुरू किया गया था, जो कि उस वक्त ग्राउंड विकसित नहीं हुआ था और सिर्फ मोरम बनने का और लेवलिंग का काम चालू था और उसमें भी योग्य लाइन और लेवलिंग नहीं बन सका था, तो दूसरी ओर स्टेडियम के निर्माण में ड्रेनेज सिस्टम का भी अभाव था, नहीं बन रहे मैदान स्टैंडर्ड लेवल का भी नहीं था जहां व्यावसायिक क्रिकेट या फिर खेल कूद हो सके। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये खेल के मैदान में क्रिकेट के अलावा अनेक फंक्शनों का भी आयोजन होता था, जिसके फलस्वरूप स्टेडियम के मैदान को भी काफी नुकसान पहुंचता था। उस समय डीएमसी काउंसिलरों और सीनियर सिटीजनों द्वारा म्यूनिसिपल क्षेत्र में एक नया क्लब हाउस बनाने की दरखास्त भी रखी गई थी, जिसमें कम्युनिटी क्लब के कम्युनिटी सेंटर दोनों हो, जहां छोटे से लेकर बड़ी हर एक खेलकूद की प्रवृत्तियां हो सके। उस समय दमन में प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल की अध्यक्षता में अनेक विकास लक्षी कार्य शुरू किए गए थे, जिसमें बांदोडकर स्टेडियम का आकार बदलने के लिए 12.51 करोड़ के लागत से पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का खड़ा करने का फैसला लिया गया था। सर्वप्रथम तो पहले जो अगौनी टीम थी काउंसिल तमाम बधा काउंसिलरों खूब खूब आभार व्यक्त करू छू कि ए वक्त जयरे डेवलपमेंट कोईपण काम जो प्रपोज कर बधा साथ सागर आप समय आ बांदोडकर स्टेडियम ने बनावा निर्णय लीधो तो पर यह निर्णय अधूरा हूँ आपने जानवा मांगू कि अमे फक्त ग्राउंड डेवलपमेंट करवा मांगता था त्यारे पछी हालना जे आपना प्रशासन है डायनेमिक प्रशासक जे के आपणे अत्यारे एवो अमने बोलावी अमारी टीम ने सलाह मशवरा करी अने कीधु के जे तमे ग्राउंड बनावा जई रह्या छे एमां थोड़ो आपणे उमेरो करी अने सारू बनावीए जीवने कहेवाय सोने पे सुहागा अमे खाली फक्त सुहागा ज करवा आटलू सुंदर बनावीने जे आजे स्टेडियम साथे जे बनावी छे ए वती हूँ तमाम दमणना खेलनीरी जे कोई प्लेयर्स भूटकाना पण ग्राउंड ने जो डेवलपमेंट करवा मांगता था ए तमाम बधाना तरफ थी दमन प्रशासन नो खूब खूब आभार व्यक्त करू छू जे आटलू सुंदर मजानु दमन अंदर बांदोडकर स्टेडियम जे अत्यारे बन्यू छे एवं कोई सपने विचारेलू नहीं हतु एने एटलू सुंदर बनावीने जे आप्यू छे तो प्लेयर तरफ थी अने अमारी जे टीम हती ए बधाने हूँ खूब खूब आभार व्यक्त करू छू। बांदोडकर स्टेडियम नो सौथी पहले तो हूँ अपना प्रफुल्ल पटेल जी नो खूब खूब आभार मानु छू के एमने दमन ना लीधे आटलू मोटू ग्राउंड दमन ना वच्चोवच बनाई ने आप्यू छे अने जे पण एमने काम कर्युं छे डेवलपमेंट माटे अमारी आशा आवी नहीं हती के आटलू सरस ग्राउंड बनशे ने एमने साथे साथे कबड्डी नुं पण राख्युं छे एमने कॉर्नर में एक कबड्डी नुं लीधुं छे अने बीजी साइड एमने प्रेक्टिस पिच पण बनावी छे અને જે સામે એક હોલ હતું તેને લગભગ તોડીને તેના અંદર ઓપન જીમ અને વોલીબોલનું કોર્ટ બનાવ્યું છે અને તેમના સાથે સાથે ગ્રાઉન્ડનું તો એકદમ સરસ જ બની ગયું છે અને મારા પછાડી તમે જોઈ રહ્યા છો તે છે આપણે ક્લબ હાઉસ તેના અંદર બધા જ વ્યક્તિ આવીને એની મજા લઈ શકે છે તે ટાઈપનું એમને કંઈ સોચ્યું છે આપના માટે એટલે ને એને સાથે સાથે જે પણ વર્કર કામ કરનાર ને સુપરવાઇઝર છે તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે એમને સરસ ગ્રાઉન્ડ બનાવ્યું છે। અમે બહુ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું આજે અમારા દમણના જે કાઉન્સિલર ને પહેલાના જે જૂના જે અધ્યક્ષ હતા તે બધાએ એડમિનિસ્ટ્રેટરને આ લોકો બધા મળીને જે અમારા માટે કર્યું છે તે બહુ સારું કામ કર્યું છે અને મેં ખૂબ ખૂબ આભાર એમનું પ્રફુલ્લભાઈનું માનું છું કે આટલું અમારા માટે કર્યું અહીંયા કે બચ્ચાઓ બધા રમવાનું થોડુંક પ્રોબ્લેમ થતું હતું બધા જાય ક્યાં રમવા માટે દૂર દૂર રમવા લઈ જતા હતા અમે બચ્ચા લોકોને તો હવે આ કામ સારું થયું કે આપણે અહીંયા લોકલમાં થયું ને બહુ ફાઇન ગ્રાઉન્ડ કરેલું છે બચ્ચાના ફ્યુચર માટે બહુ ફાઇન છે થેન્ક યુ।